और अभी मेरे को जितना सामान लेना था ले लिया भाई। ये देख सकते हो आप लोग, और ये तीन आइटम है अपना 3600 रुपए का भाई। अब देखते हैं कितना रुपए ये बिकता है भाई। हाँ भाई, टमाटर में लाल लाल टमाटर 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 आगे कलेजी भिंडी भी, पूरा दिमाग का दही हो गया अभी। ये देख सकते हैं भाई, ये है आज का अपना सेलिंग। कैसे आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब, अभी मैं पहुंच चुका हूं सब्जी मंडी। ये देख सकते हो भाई, सामने टमाटर बिक रहा है। क्या बिक रहा है भैया टमाटर? अभी मैं 970 में लिया हूं भैया। 970 रुपए के रेट में, और इधर 910 920 जा रहा है, 1000 भी जा रहा है। टमाटर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो भाई, 970 980 और 1000 भी बिक रहा है। 1000 से 10-20 भी जा रहा है भैया, अच्छा क्वालिटी वाला है। क्या के ले लिए हो? सिर्फ टमाटर लिया। और कुछ लेना है अभी? नहीं अभी तो लेना बहुत कुछ है, इधर टमाटर लेंगे। अभी इधर सब्जी आया भाई, ये सब सब्जियों का भी बोली होगा यहाँ पास। और बरबट्टी लेंगे। हाँ, मैंने भी टमाटर खरीदा है। ये देख सकते हो अपना टमाटर, ये वाला मेरा टमाटर जो है 960 रुपए का है, अभी 1 कैरेट ही लिया है। तो चलो अभी इसको लेके डालते भाई ऑटो पे, वहाँ पास ऑटो है सामने अपना। और आगे जो भी कुछ लेता हूँ बताता हूँ भाई। सब टमाटर लेने के बाद अभी मैंने खरीदा है भिंडी। ये देख सकते हो भाई, भिंडी का क्वालिटी 12 रुपए केजी पे, 19 केजी है। मेरे को जितना सामान लेना था ले लिया भाई, बस लेने के बाद डाल दे इस पे, ये ऑटो पे देख सकते हो आप लोग। और अभी फिलहाल निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से मार्केट लिए भाई, और कौन कौन सा वेजिटेबल है वो अभी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो चलो भाई साहब, देखते हैं आज का मार्केट अपना कैसा रहता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके भाई मार्केट सब्जियाँ बेचने के लिए, और मैं बैठा हूँ भाई ऑटो में पीछे साइड। ये देख सकते हो आप लोग, और ये देख सकते हो आप लोग अपनी सब्जियाँ भाई, पूरा सब्जियाँ भरा पड़ा है इस पर। और अभी मौसम देख सकते हो यार, पूरा मौसम चेंज हो चुका है भाई, खतरनाक बादल दिख रहे हैं, बारिश होगा ऐसा लग रहा है। चलो फिलहाल देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है भाई, कैसा सेलिंग होता है अपना। भाई मार्केट, और ये देख सकते हो अपना गाड़ी भाई, सामान है इसके ऊपर, और वहाँ लगे एक दुकान भाई सामने। तो चलो यार, सामान को उतारते हैं नीचे और दुकान लगाते हैं। तो दोस्तों, अभी फाइनली दुकान रेडी है भाई। ये देख सकते हो आप लोग, करेला टमाटर और भिंडी, और ये तीन आइटम है अपना 3600 रुपए का भाई, मात्र 3 वेजिटेबल्स। और आज अपना टमाटर बहुत ज्यादा खराब निकला है। ये देख सकते हो आप लोग टमाटर को भाई, क्वालिटी अच्छा नहीं निकला है इसका। ये देखो पूरा ऐसे दाग दाग निकल गया यार, काला वाला, इसमें वायरस आ गया भाई, ब्लैक वाला, पता नहीं खराब हो गया, मतलब बेचने से पहले ही लॉस हो गया भाई। सब्जी में जब लॉस होता है तो ऐसे ही लॉस होता है कि माल जब खराब निकल जाए, तब अगर ये क्वालिटी में रहता तो अच्छा रहता। अब ये टमाटर अपने को 36 रुपीज केजी पड़ा है भाई, अब देखते हैं कितना रुपए ये बिकता है भाई। अभी तो फिलहाल मैं 50 बेच रहा हूँ। और आज का मार्केट आप लोग देख सकते हो, देवरी नाम है मार्केट का, मतलब गाँव का नाम है देवरी। ये देख सकते हो सब्जियाँ भाई साहब, काफ़ी सब्जी आया है मार्केट में अच्छी खासी। अरे मोरे वीडियो है कहाँ भाई, गजब भाई जो है, देखो मेरा ही वीडियो देख रहा है। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं भाई? हाँ इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ। इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना भाई, चंदू द विलेजर। और भाई क्या रेट है टमाटर, क्या बेच रहे भाई? 60 रुपये। क्वालिटी ज़बरदस्त है आपका यार, टमाटर 60 रुपये के जी। और करेला? करेला 40 है। खीरा कितना बेच रहे हैं? खीरा 30 रुपये। खीरा 30। और ये बैगन काला वाला? बैगन 40। और वो व्हाइट वाला? व्हाइट वाला 40। भिंडी 20। भिंडी ठीक। चलो बढ़िया भाई सब, देखते हैं अब कैसा मार्केट रहता है आज। यहाँ चले भैया, टमाटर करेला भिंडी टमाटर, ये टमाटर वाले, करेला वाले, भिंडी वाले। चले भैया, भाटा भिंडी करेला, भाटा टमाटर करेला मुरई, हाँ भाई टमाटर में लाल लाल टमाटर, भाटा
भाई करेला बन 40 रुपए, टमाटर 50 है और भिंडी जो है 20 रुपए। टमाटर एक नंबर टमाटर ले। हाँ भाई डिस्काउंट है, टमाटर भाटो करेला टमाटर 50 हो गया, 50 हो गया, 60 वाले टमाटर 50 है भाई। अगर टमाटर सस्ता मार ये पक्का वाले मार। चला भाई, चला भाई टमाटर वाले मन, टमाटर वाले मन, 50 है 50 है, चला भाई, चला भाई टमाटर, सस्ता खाओ, सेहत बनाओ। टमाटर 50 आगे कलेजी भिंडी 20 एक फिर उधर एक वापस एक एकदम और भिंडी देना तोड़ ले। बीजा ले पन्नी है भाई, बोलो भैया पन्नी का विटामिन विटामिन वाले बनाने से लेगा भाई। भाई साहब टमाटर जो है अपन 60 रुपए बेच रहे थे फिर 50 और अभी ऐसा लग रहा है कि 40 बेचना पड़ेगा यार, क्योंकि क्वालिटी इसका डाउन हो रहा है, देख सकते हो पूरा दागी दागी वाला बचा है यार। देखते हैं कम करके अब जैसे तैसे करके तो खत्म करना है भाई। आधा किलो ना तो चाचा 50 रुपए टमाटर, 70 रुपए किलो भिंडी, भिंडी 20 रुपए किलो एकदम लग्जरी भिंडी, करेला 30 रुपए। चले आ चले आ भाई भिंडी करेला टमाटर मैं छाने लग ले चल। चालीस करेला 20 आगा, पूरा दिमाग का दही हो गया भाई। 40 रुपए में भी लोग लेने के लिए कतरा रहे भाई, एकदम दिक्कत हो रहा है। शुरू में 50 बेच रहा था, अभी 40 पता नहीं सेल हो, 40 रुपए लगी है टमाटर, खत्म करना है भाई। अब करेला देखे 20 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, जाओ एक जा भाई। आज बाजार अच्छा नहीं है, लेकिन बीस बीस चीज करेला ले गया ना, 40 वाले करेला 20 में, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो भिंडी करेला 20, टमाटर 40 रुपये किलो, फत का खाना तेल ले जरा ऑफर आज बस है, 60 वाले टमाटर 40 में। अभी अपना करेला भी खत्म हो गया, भिंडी भी खत्म हो गया और टमाटर बस बचे हार, तो 40 बेच रहे, लगता है इसको और कम बेचना पड़ेगा तब बिकेगा भाई। टमाटर 50 ऊपर है 1 किलो, लगभग 2.5 किलो का
तो भाई साहब अभी बच चुके शाम के 7 और अभी मार्केट देखो खत्म हो चुका है भाई। और ले देके अपना सामान भी बिका यार, बहुत ही ज्यादा सस्ता बेचे तब, ये देख सकते हो पूरा सामान खत्म हो चुका है। अभी चलो उठाते हैं अपने बोरी फट्टी को क्योंकि बारिश भी आ रहा है, बूंदाबांदी भी शुरू हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई मार्केट से घर के लिए। चलो यार ऑटो में बहुत ज्यादा नॉइस रहता है भाई, वॉइस भी आप लोगों को सुनाई नहीं देगा तो घर पे ही बात। तो भाई सब अभी बज रहे हैं 9 और अभी फाइनली अपन पहुंच चुके हैं मार्केट से घर यार। और आज के मार्केट की बात किया ना तो आज का मार्केट सही नहीं था भाई, बहुत ही ज्यादा रद्दी मार्केट था। तो अपन लेके गए थे करेला, करेला को मैंने खरीदा था भाई सब 15 रुपए केजी पे, जिसको मैंने स्टार्टिंग में 40 सेल किया, फिर उसके बाद 30 रुपए सेल किया, फिर उसके बाद 20 रुपए में भी सेल किया। और अपने पास था 3 कैरेट टमाटर जो कि अपने को 36 रुपीज केजी पड़ा था भाई किलो। और टमाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रद्दी था, उसमें काला काला दाग लग गया था। लेकिन जब मैं खरीदा तो ऊपर में जो है बढ़िया था कैरेट में टमाटर जो है, और नीचे साइड थोड़ा खराब निकल गया भाई, उस वजह से टमाटर भी अपना सही रेट पे सेल नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 50 बेचे, फिर उसके बाद 40 बेचे, फिर लास्ट में 30 रुपए में भी बेचना पड़ गया यार, तब जाके टमाटर सेल हुआ। और अपने पास भिंडी था तो भिंडी को मैंने खरीदा भाई 20 रुपए केजी पे, जिसको मैंने स्टार्टिंग में 30 रुपए किलो बेचा, फिर उसके बाद अपने को भिंडी को 20 रुपए किलो पे ही बेचना पड़ गया यार क्योंकि सेल नहीं हो रहा था। तो दोस्तों बहुत ही कम रेट पे सेल के तब जाके सेल हुआ। और बहुत लोग कमेंट करते हैं यार कि भाई आप बहुत सस्ता बेचते हो, इस रेट पे बेचना चाहिए था, इस रेट पे बेचना चाहिए था, ऐसा करके। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि मैं वेजिटेबल्स को सही रेट पे बेचूं ऐसा करके, लेकिन मार्केट में सेल नहीं होता है तो क्या करें यार, रेट गिरा के बेचना पड़ता है। और अगर रेट कम करके नहीं बेचेंगे तो नेक्स्ट डे वो जो है खराब हो जाएगा भाई, उसके रुकने का गारंटी कोई नहीं है। अगर आज 20 रुपए मिल रहा है तो पता नहीं कल 20 भी मिले या ना मिले, इस वजह से कम रेट पे सेल करना पड़ता है। और ये जो है कच्चा आइटम है तो इसमें यही रिस्क रहता है कि आपको एक दिन के अंदर वेजिटेबल को बेचना ही बेचना है। और दोस्तों एक ऑप्शन और रहता है कि सुबह अपन इस वेजिटेबल्स को लेके जाए बेचने, तो मतलब सुबह भी बेचने जाओगे ना तो सेम ही पड़ जाता है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, प्लस गाँव में जो है वेजिटेबल सही रेट पे सेल होता नहीं है, लोग जो है बहुत ही ज्यादा सस्ता मांगते हैं। तो उससे अच्छा मैं सोचा कि मार्केट में क्यों ना इसको जैसे तैसे सेल कर दिया जाए, अगर इसका क्वालिटी जो है सही रहता तो ये जो है नेक्स्ट डे भी रुक सकता था, लेकिन क्वालिटी सही नहीं था इस वजह से आज ही बेचने इसको जरूरी था भाई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि क्यों अपने को वेजिटेबल जो है सस्ता में बेचना पड़ता है, क्यों बेचते हैं, तो यही रीजन है भाई सब। और केवल मैं नहीं, बाकी लोग भी रेट को गिराते हैं तब जाके अपने को रेट को कम करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में मैं अकेला नहीं हूँ सेल करने वाला, बहुत कॉम्पिटिशन रहता है भाई सब मार्केट में सेल करने के लिए, तो कॉम्पिटिशन पे चलता है मार्केट जो है। और दोस्तों ये सब वेजिटेबल्स था अपना 3600 रुपीज का जिसको सेल किया है। तो ये देख सकते हो भाई, ये है आज का अपना सेलिंग, आज अपने को 10-20 रुपए के नोट ज्यादा मिले हैं और इसको मैंने पहले से ही गिन लिया है क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग बहुत सारा चिल्लर है, तो अगर आप लोग के सामने गिनो तो ये बहुत ज्यादा टाइम खाएगा भाई। और ये है भाई सब 3900 रुपए, और इसी में से मैंने 100 रुपए भाड़ा दे दिया भाई ऑटो का, ऑटो पे जिस ऑटो पे लेके गए थे वेजिटेबल्स ना उस ऑटो वाले को, मतलब 3600 के वेजिटेबल्स को मैंने 4000 रुपए का सेल किया था, जिसमें से 100 रुपए भाड़ा देने के बाद अपने पास 3900 बचे भाई, मतलब कि मेरे को 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है जो कि काफी है क्योंकि वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा कम रेट पे सेल किए, तो 300 रुपए भी मिलना बहुत है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को 300 रुपए भी मिलेंगे ऐसा करके, मैं सोच रहा था कि आज लॉस ना हो जाए भाई सब ऐसा करके, लेकिन शायद स्टार्टिंग में अपन ने वेजिटेबल्स थोड़ा सा सही रेट पे सेल किया, उस वजह से 300 रुपए अपने पास बचे जो कि काफी है, इतने में ही संतोष करना पड़ेगा यार। और बहुत लोग का मतलब क्वेश्चन आता है भाई हम लोग भी वेजिटेबल सेल करते हैं आपको प्रॉफिट कम होता है, हमको ज्यादा होता है ऐसा करके, तो प्रॉफिट जो है ना लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से लोकेशन पे सेल कर रहे हो वेजिटेबल्स को, प्लस आपके एरिया में कौन से रेट पे सेल हो रहा है। अगर सही रेट पे वेजिटेबल सेल होता तो मेरे को भी प्रॉफिट जो है अच्छा खासा होता, लेकिन वेजिटेबल सही रेट पे सेल होता नहीं है यार इधर, मतलब हर एक चीज जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है भाई सब। तो चलो किसी और वीडियो पे इस पर डिटेल्स में बात करेंगे भाई, क्योंकि इस वीडियो पे अगर अपन इस चीज पे बात करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते फिर एक और नया वीडियो सामने, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।